show. Today, I'm going to show you a shadow story. Means, I'm going to tell you a story by making it a shadow. First, I'm going to tell you about the characters who are in the story. The main character is the moon. Here is the moon. I have made this the moon and a deer and the deer's friend and a mouse and a hunter. So let's start our story. I can tell you it in Hindi. I'll tell you. Ek hiran tha aur ek jungle mein ghas kha raha tha. फिर तभी पीछे के झाड़ियों से कुछ आवाज आई। फिर वो हिरन मोड़ कर देखा और देखा कि उसका दोस्त था। फिर वो दोनों घास खाने लगे। फिर हिरन चंदा मामा को दिखा और चंदा मामा को बोला कि ओ जब भी एक शिकारी आए ओ जब भी एक शिकारी आए हिरन फिर हिरन उसे निपट लेगा। जैसे वो ताकतवर हो जाएगा। वो बोला चंदा मामा से मुझे ताकतवर बना दो ताकि मैं शिकारी से भी निपट लूं। चंदा मामा फिर बोले ठीक है मैं तुम्हें ताकतवर बना दिया और वो खुशी खुशी घास खाने लगी। फिर अगली रात एक शिकारी आया था और उस शिकारी ने एक जाल बिछाया। फिर उस जाल को वो वहीं छोड़ दिया। फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद फिर रात हो गया। फिर से रात में आया हिरन घास खाने। फिर वो जब खा रहा था उसका दोस्त भी चला आया गया। फिर हिरन और उसका दोस्त खाने लगे। फिर वो हिरन उस जाल में फंस गया। फिर वो बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाया। फिर उसके दोस्त चूहा को बुलाया। फिर चूहा जल्दी से आया और उस जाल को काट दिया और हिरन चला गया वहां से। फिर जब दिन निकल आया तभी शिकारी आया और शिकारी दिखा कि उस जाल में कुछ नहीं फंसे थे और जाल कट भी गया था। फिर वो शिकारी बहुत ही दुखी हो गया। दुखी होने के बाद वो चला गया। फिर तो वो हिरन और उसका दोस्त और चूहा और चूहे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। और ये है हमारा कहानी का अंत। थैंक यू। हैव अ नाइस।